भाई जिस साइड भाई इधर पीछे पीछे गावर भाई साइड देने का बस वही है कि मुझे टनल के बाद में बिग बॉस ही भेज सकते थे और आई एम वेरी हैप्पी और लोगों को टनल तक छोड़ के आने में मेरी जितना योगदान मुझे नहीं लगता जितना था जितना टनल से सबसे आखिर में बाहर निकालने के लिए मेरे फैंस का था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये जो प्यार मुझे मिल रहा है और जो मैं बाहर आके फील कर पा रहा हूँ आई एम वेरी थैंकफुल इस तरह के फैंस नसीब वालों को मिलते हैं और उन लोगों नसीब वाला है मैं हमेशा कोई भी ऐसे मूवमेंट होता है अच्छा होता है बुरा होता है मैं हमेशा फील करता हूँ कि काश वो लोग होते और वो देखते और चीज़ों से गुजरना पड़ता है माँ की दुआएं मुझे हमेशा लगती है माँ और बाप की दुआएं मेरे साथ है तो आज शायद स्टेज पे कहना चाहता था बट कह नहीं पाया बट मुझे लगता है ये सही जगह कहने के लिए कि तू साथ ना माँ पर साथ तेरा साया था कितना मशहूर और कितना ही कमाया था वो तोड़ने आए थे मेरा मिट्टी का महल लेकिन बेटा मुमताज़ का इनका ताज छीनने आया था जिस तरह जर्नी आपकी रही अप डाउन भी वाइल्ड कार्ड के बाद काफ़ी बदलाव आया आपकी जर्नी में बट आपके फैंस स्टैंड बाय रहे फैंस ने काफ़ी सपोर्ट किया आपको किस तरह से देख रहे हो बट आपकी जो गेम थी अप डाउन हुई इंडस्ट्रीज से काफ़ी लोग ने आपको सपोर्ट किया सेलिब्रिटीज सपोर्ट किया आज भी मिले आज भी सेलिब्रिटीज आपके नाम ले रहे थे हाउ डू यू सी दिस सपोर्ट भाई मैं जैसे बोलना चाहूँगा गेम ऊपर नीचे होना वाइल्ड कार्ड का आना मैं अपने जब काम अपनी कामयाबी का क्रेडिट खुद को देता हूँ तो मैं अपने फेलियर का भी कभी भी किसी और को जिम्मेदार कभी नहीं ठहराता मैं हमेशा अपने फेलियर को भी एक्सेप्ट करता हूँ और जो अंदर मेरे साथ हो रहा था अगर मेरे कर्म की वजह से हो रहा था तो बाहर ये जो कुछ हो रहा था वो भी मेरे कर्म की वजह से हो रहा था तो कहीं ना कहीं इंसान इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जब आप किसी प्राइवेट चीज़ें और पर्सनल चीज़ें आती है आप उसके लिए रेडी नहीं होते हो बट कहीं ना कहीं मुझे जो सपोर्ट और प्यार मिला है वो जानते हैं मुझे और उन्होंने हमेशा मुझे देखा है बिल्कुल रहेगी क्यों नहीं रहेगी अभिषेक और बना हमेशा रहेगी उनकी तासीर भी रहेगी और घर है बिग बॉस का घर बहुत सारे इमोशंस आप गुजरते हो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब फील करूँगा वहाँ पर बहुत सारे इमोशंस थे और ख़ास करके दोस्ती को लेकर आपको एक वक्त किसी से नाराज़गी होती है मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कम बात करना या कभी झगड़ों की वजह से और बहुत सारे लोग गेम खेल रहे होते हैं तो आपस के दोस्तों में वो रंजिशें आना लाजिम है बट एट दी एंड आपको रियलाइज़ होता है कि जो रियल रिश्ते हैं वो घर के बाहर भी रहते हैं देखिए मैं यही बोलूँगा कि जब आप एक रियलिटी शो जीतते हो और इतने प्यार करने वाले लोग होते हो तो आप कभी भी अपने एक नए प्रोजेक्ट को लेकर एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर देते हो अपने आप ही और वो एक्सपेक्टेशन पे लोगों को लगा होगा कि भाई ये तो जाकर ही कुछ ना कुछ फाड़ना शुरू कर देगा तो मैं हमेशा से सुनता था समझता था कि बिग बॉस घर क्या है कहा जाता था सिविलाइज तरीका कहा जाता था कि घर में हो आप घर में ऐसे बिहेव करते हो अपनी लैंग्वेज पे काबू
तो मैंने दायरे मेंटेन किए, कभी किसी को पर्सनल अटैक नहीं किया, ना कभी किसी को गालियाँ दी, और मैंने हमेशा एक ऐसा जोन किसी के साथ रखा कि बात करके जब चीज़ें सुलझ सकती है तो मैं उलझाने वाला इंसान हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी में भी इस तरह चीज़ें सॉल्व करता हूँ, झगड़ों से दूर रहता हूँ, तो शायद मैं झगड़ा करते हुए दिखा नहीं होऊंगा, बट मैं बातों से चीज़ों को सुलझा लेता था, और गेम जब ज़रूरत थी मैंने उस हिसाब से खेला। मुनावर, मुनावर क्या है आज की तारीख में? मैं जब बिग बॉस गया था तो मैं ट्रॉफी लेने जरूर गया था, लेकिन जब मैं अभी बिग बॉस से बाहर आ रहा हूँ तो सिर्फ ट्रॉफी लेके नहीं आ रहा हूँ, मैं एक बेहतर मुनव्वर को बाहर लेके आया हूँ, और ये मेरे एक्शंस में, मेरी लाइफ के आगे के डिसीजंस में और हमेशा दिखेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, मुझे रिग्रेट नहीं हो रहा उस जर्नी में, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट अफसोस नहीं है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ ये सोच के कि मेरे साथ ये जो आजमाइश थी, जो एग्ज़ाम था, टेस्ट था, वो ऐसी जगह पे हुआ कि जिस जनता ने मुझे बनाया है उसी जनता के सामने मैं मौजूद था, कटघरे में था, और तब भी उन्होंने प्यार दे के मुझे हाथ दे दिया, कि जब मैं लड़खड़ाया भी सब भी हाथ दिया कि ठीक है, हमें तेरा वो ज़ख्म नहीं देखना, उसके अलावा मैं जो पूरा जिसम में जो खूबसूरत है उसको देखा और वो जख्म पे ध्यान नहीं दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सारे। अच्छा, मुनावर, 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 मैं जैसे ही घर से बाहर आया हूँ और मैं वैनिटी गया हूँ और वैनिटी से यहाँ आया हूँ, मुझे आपने जो बात कही है उसका कुछ भी इल्म नहीं है। मुनावर, लेकिन आपकी लाइफ के बारे में मैं जाकर यहाँ जाकर मैं पहले तो फोन खोलूंगा, चीजें देखूंगा, मुनावर, लेकिन समझूंगा और उसके बाद मुनावर, मुनावर आपने ट्रॉफी जीत ली है, बहुत बड़ी बात है, कंग्रेचुलेशन, लेकिन आपकी जो एक इमेज थी बाहर वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े इफेक्ट हुई है, बहुत लोगों ने आपके ऊपर चीटर, वो बहुत गलत गलत बोला जा रहा है, तो ये क्या सुधारने की क्या कोशिश करोगे बाहर आके, क्योंकि अंजलि ने भी काफ़ी कुछ बोला है आपके बारे में, नाजिला ने बोला है, आयशा ने तो बहुत कुछ बोला है, तो ये इमेज आपकी गुड बॉय बहुत इमेज थी आपकी, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुई, और ये कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में को भी इफेक्ट हुई होगी। डेफिनेटली फैमिली, दोस्त, चाहने वाले फैंस, सबको अफेक्ट करता होगा, लेकिन मैंने बहुत सारे वुमेन के अराउंड प्रोजेक्ट्स किए, काम किए हैं, एंड वो जानते हैं कि मैं कितना रिस्पेक्टेबल रहा हूँ और कितना कंफर्टेबल मैंने उनको अपने अराउंड फील कराया है, और क्योंकि मैं जो टीम में काम भी करता हूँ, मेरी टीम जो अलग अलग जो लेवल पे काम करता हूँ वहाँ पर सारी औरतें हैं, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वैसे भी लोग हैं जो मुझे आँखों में आके देख के औरतें बोलेगी कि वी नो दैट टू ऐसा नहीं है, और गलतियाँ होती है, और जो टैग्स आप कह रहे हो वो टैग्स मेरे एक्शन से और मेरे जो चरित्र बोलते हैं उससे ही उनके जवाब मिलेंगे भविष्य में और आने वाले समय में। आप चुप रहे, बहुत सारे आपने चुप्पी तोड़ी है, मुनावर आपने चुप्पी, मुनावर आपने, मुनावर, मुनावर आपने चुप्पी रखी है इस बात में, लेकिन हमें जो खबर मिली है कि आप अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए आपने चुप्पी रखी है, और नाजिला ने भी आपको टाइम दीजिए, मैं अभी बाहर निकला हूँ आपके, मैं जेन्यूनली बोल रहा हूँ, मेरे लिए सारी चीज़ों को प्रोसेस करना मुश्किल हो रहा है इस वक्त, क्योंकि मैं 3 रात से सोया नहीं हूँ, पर मैं बाहर आया और मुझे कुछ भी नहीं पता सारी न्यूज़ के बारे में, बट डेफिनेटली चीज़ें बेटर वे में सॉल्व की जाएगी। मुझे आपने ये बताया, मुझे नहीं बताया, बट लोग बोल रहे कि डोगरी में जश्न हो रहा है, और मैं बहुत ही मतलब पागल हो गया सर, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि सोचता भी था कि जाने तो इन लोगों को जिनको पार्टी करने जाना है, मैं ट्रॉफी लेके सीधा डोंगरी जाऊँगा।